हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम गांधी जी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स को पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करमचंद्र गांधी वॉज दीवान ऑफ. ठीक है, करमचंद्र गांधी वॉज द फादर ऑफ द गांधी जी एंड ही वॉज द दीवान ऑफ द पोरबंदर, राजकोट एंड बीकानेर, तीनों जगह के वो जो है दीवान थे. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. ठीक है, ऑल ऑफ दीज, पोरबंदर, राजकोट एंड बीकानेर. सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज द काबा गांधी. ठीक है, काबा गांधी के नाम से भी जाने जाते थे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंटरनेशनल इवेंट्स इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ द गांधी जी. ठीक है, गांधी जी के आने से पहले कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए थे जो हमारे नेशनल मूवमेंट के कोर्स को इन्फ्लुएंस किए थे. तो फर्स्ट वॉज द इटालियन एबेसिनियन वॉर इन 1898, दैट इज करेक्ट. बॉक्सर मूवमेंट इन चाइना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड, ये भी सही है. नेक्स्ट हमारा है victory of the Japan in the Russo-Japanese war. तो सबसे ज़्यादा influence यही हुआ था, जापान का Russo-Japanese war में जो victory हुई थी वही influence की थी सबसे ज़्यादा. ठीक है, बाकी सारे हमारे सही हैं. ठीक है, तो देखिए, after defeat of the Russia 1905, Japan proved itself a dominant country through its military approach over a powerful country of Europe. So ये क्या था, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया के नेशनल मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ा था. बाकी सारे जो है ऑप्शन सही हैं. नेम द मैगजीन पब्लिश बाई महात्मा गांधी ड्यूरिंग द स्टे ऑफ द साउथ अफ्रीका. तो इंडियन ओपिनियन जो है वो जो है साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा पब्लिश की गई थी. तो 1894 में, कब 1894 में, गांधी जी फाउंडेड नेटल इंडियन कांग्रेस. सो ही फाउंडेड नेटल इंडियन कांग्रेस इन 1894 इन साउथ अफ्रीका. एंड ड्यूरिंग हिज लॉन्ग मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका ही गॉट इम्प्रिजनमेंट सेवरल टाइम्स. ठीक है, बहुत बार उनको जेल जाना पड़ा. टॉलस्टॉय फॉर्म भी उन्होंने जो है बनाया, एसोसिएट विद देयर एंड स्टार्टेड लिविंग देयर. उन्होंने एक मैगजीन निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन इन साउथ अफ्रीका एंड फाउंडेड फ्योनिक्स फॉर्म इन दिसंबर 1904 में. अभी डेट आ सकता है कि फ्योनिक्स फॉर्म कब सेटअप किया गया था. तो 1904 में एंड 1894 में गांधी जी फाउंडेड नेटल इंडियन कांग्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज फिनिक्स फॉर्म. क्योंकि डर्बन साउथ अफ्रीका में था, डर्बन साउथ अफ्रीका. एम के गांधी वॉज अ सपोर्टर ऑफ वॉट, ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ फिलोसफिकल एनार्किज्म. फिलोसफिकल एनार्किज्म, गांधी जी थॉट द एम्फेसिस, गांधी जी इज थॉट द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द आइडियलिज्म बट ऑन द प्रैक्टिकल आइडियलिज्म. पहली बात तो प्रैक्टिकल आइडियलिज्म, दूसरी चीज़ थी गांधी जी के थॉट्स जो मिलते थे वो थे यूटोपियन सोशलिज्म. एंड नेक्स्ट इज फिलोसफिकल एनार्किज्म. ठीक है, इसको हम मार्क्सिज्म के स्टैंड से हम कंपेयर कर सकते हैं, बट नॉट विद द वेस्टर्न फिलोसफी. इवन वेस्टर्न लिबरल थॉट्स, ही बिलीव दैट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडियल नॉन वायलेंट स्टेट एवरी सिटीजन वुड हैव द फीलिंग ऑफ द व्हाट, फीलिंग ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट. एंड इन दिस स्टेट देयर वुड बी नो नीड ऑफ द फॉर द स्टेट टू कंप्लाई टू द लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है, उन्होंने कहा स्टेट अगर एकदम खत्म भी ना हो तो स्टेट इतनी ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए कि लोगों को वो कंट्रोल करना शुरू कर दे, जैसे प्रेजेंट के टाइम में आप देख रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा स्टेट ना हो जाए कि बिल्कुल जो है डिक्टेटरशिप वाला वो हो जाए. इसलिए वो स्टेट, उन्होंने स्टेट का जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने कहा था अगर हो तो बहुत कम हो, ज़्यादा स्टेट का कंट्रोल इतना ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए. ठीक है, ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी राम राज्य कौन से थे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वर्ड टू प्रिंसिपल्स. ठीक है, टू ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी रामराज वुड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द बेस टू डेवलप अ न्यू सोसाइटी ऑफ हिज ड्रीम. सम पीपल बिलीव दैट ट्रूथ पॉलिसी ऑफ महात्मा गांधी इज इंस्पायर्ड बाय द हिंदू रिलीजन एंड नॉन वायलेंस फ्रॉम द बुद्धा जैन एंड क्रिश्चियन आइडियोलॉजी. अकॉर्डिंग टू नॉन वायलेंस, द वे, व्हाट इज नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस वॉज अ वे टू अटेन ट्रूथ, वे टू अटेन ट्रूथ. ओके, सो नॉन वायलेंस, गांधी जी फिलोसफी ट्रूथ स्टैंड फॉर द रियलिटी. ही डिस्क्राइब ट्रूथ एज एग्जिस्टेंस, कॉन्सियसनेस एंड ब्लिस, यानी कि सत, सिद्ध एंड आनंद. ही सेड अहिंसा और नॉन वायलेंस इज मीन्स ट्रूथ इज द एंड. अहिंसा, अहिंसा वॉज द बिगिनिंग, वॉज द मीन एंड द ट्रूथ वॉज द एंड. दे आर सो इंटरविंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू सेपरेट. वो आपस में एक दूसरे से इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग थे कि उनको अलग करना बहुत पॉसिबल नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू रिगार्डिंग महात्मा गांधी, तो एन इंडिविजुअलिस्ट अमंग द सोशलिस्ट एंड द मार्क्सिस्ट अमंग द सोशलिस्ट वॉज ट्रू रिगार्डिंग द महात्मा गांधी.
तो महात्मा गांधी किस चीज़ पे? फिलोसफिकल एनार्की पे बिलीव करते थे, ही लिंक्ड टू द फिलोसफिकल एनार्की। नेक्स्ट, इट वाज फिलोसफिकल एनार्की कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंड ऑफ द मार्क्सिस्ट, बट ड्यूरिंग प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस ही वाज नॉट इन द फेवर टू एबॉलिश द स्टेट। ठीक है, स्टेट को एबॉलिश करने के जो है उस पक्ष में नहीं थे। ह्यूमन बींग आर नॉट कैपेबल इनफ टू मैनेज देयर कलेक्टिव अफेयर्स ऑफ देयर ओन, हैंस द स्टेट एंड द लॉ आर रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी। इन एडिशन टू दिस ही ऑल्सो बिलीव दैट द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट शुड बी मिनिमम। ठीक है, जुरिसडिक्शन हो जो बहुत ही मिनिमम हो। गांधी टोल्ड लुइस फिशर, आई एम अ ट्रू सोशलिस्ट, मीनिंग माई सोशलिज्म इज सर्वोदय। सर्वोदय मीन सबका उदय, सबका उदय। देयर इज अ ग्रेट सिमिलरिटी गांधीज एंड मार्क्स इन द फाइनल एम ऑफ द बोथ ऑफ देम वर टू एस्टैब्लिश अ स्टेटलेस एंड द क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी, बट देयर मीन्स वो डिफरेंट। गांधी जी की मीन क्या थी? नॉन वायलेंस। एंड द जो मार्क्स थे उनकी मीन्स जो है वायलेंट मीन्स थे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द लास्ट स्टेप इन द गांधीयन स्ट्रेटजी ऑफ सत्याग्रह? कौन सा नहीं था? स्ट्राइक, विच वॉज नॉट, नहीं विच वॉज द लास्ट स्टेप, विच वॉज द लास्ट स्टेप। सबसे लास्ट में हम क्या करते थे? स्ट्राइक करते थे। स्टार्ट कहाँ से करते थे? फास्टिंग और जो है, और ये जो है लास्ट जो होता था वो स्ट्राइक होता था, और फास्टिंग को वो कहते थे फायर एरो। ठीक है, फायर एरो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द गांधी प्रिंसिपल? तो स्टे द एम ऑफ सत्याग्रह इज टू डिफीट द एनिमी इज नॉट ट्रू। ठीक है, बाकी वेपन ऑफ सत्याग्रह इज अहिंसा इज ट्रू। गांधी सत्याग्रही शुड बी फर्म इन हिज बिलीफ, इट इज ऑल्सो ट्रू। और नेक्स्ट इज गांधी सत्याग्रही शुड हैव नो इल फीलिंग्स टूवर्ड्स हिज एनिमी, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सारे सही हैं। वो सफरिंग, वो कहते थे कि जितना सफरिंग जो है हो सके उतना सफरिंग बर्दाश्त करो। सफरिंग वॉज इट्स ड्राइविंग फोर्स, किसकी? नॉन वायलेंस की। वायलेंस जो है उससे ज्यादा फोर्स जो है नॉन वायलेंस में होता है। वो कहते थे ऑपरेसर जो है, जो आपके ऊपर जो है अत्याचार कर रहा है, उस अत्याचारी को अत्याचार करने दो। एक अत्याचार करने की भी लिमिट होती है, उसके बाद वो अत्याचार नहीं कर पाएगा। हैंस देयर वाज नो मोटिव टू डिफीट द एनिमी बट टू चेंज देयर परसेप्शन। अकॉर्डिंग टू गांधी द क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ द वायलेंस, तो सबसे क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस की क्या थी? परसिस्टेंस ऑफ द पॉवर्टी। परसिस्टेंस ऑफ द पॉवर्टी वॉज द क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ द वायलेंस। ठीक है, what idea is given by Gandhi for the family planning? तो self control was the idea। क्या था? self control। ठीक है, self control जो है idea था गांधी जी के family planning का। ठीक है, next हमारा है in which year Gandhi returned from the South Africa? तो it was 1950। ठीक है, वो South Africa से बाहर जो India लौटे थे। The struggle and the success in the South Africa made him very popular in India. In India he came to contact with the Gopal Krishna Gokhale and accepted accepted him as his political mentor. ठीक है, he linked himself to India's active politics under the influence of the Gopal Krishna Gokhale. ठीक है, so Gopal Krishna Gokhale was his political mentor and he suggested Gandhi ji to visit all over India, to visit all the villages, to know the existing situation of the country. ठीक है, तो ये जो है पूरी सिचुएशन थी। How many years did Gandhi ji live in South Africa? तो he lived for 21 years. Sorry, he lived for the 21 years. ठीक है, 21 years the correct answer. And in 1893, at the age of 24, Gandhi went to South Africa. ठीक है, to appear in a case of Gujarati merchant. So you have to remember the name of the Gujarati merchant. He was Dada Abdullah. दादा अब्दुल्ला के केस के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे एंड ही स्टेड देयर फॉर 21 इयर्स। ठीक है, और उस टाइम वो 24 इयर्स के थे एंड द ईयर ही मूव टूवर्ड्स अफ्रीका वाज 1893। ठीक है, 1893 में वो यहाँ से चले गए थे। ठीक है, 19 जनवरी 1915 में इंडिया में आए। तो आप बता सकते हैं कि ये जो है आपका एक दिन का आयोजन किया जाता है इसी इसी के उपलक्ष्य में, प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए, लेकिन अब 2000 जो अभी लेटेस्ट जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ पे जो है आयोजित किया गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन? तो देखिए, पीटर मेट्सबर्ग, यहाँ से जो है वो उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो गांधी जी अराइव इन डर्बन साउथ अफ्रीका इन 1893 टू सर्व एज अ लीगल, जो लीगल कंसल्टेंट होते हैं, किसके? मर्चेंट जो थे, क्या नाम था इनका? दादा अब्दुल्ला। तो इसलिए वो गया थे 1893 में। इन जून ही वॉज आस्क्ड बाई दादा अब्दुल्ला टू अंडरटेक अ ट्रिप टू पेट्रोरिया इन इन द ट्रांसवाल, अ जर्नी विच फर्स्ट टुक गांधी टू पीटर मेट्सबर्ग। देयर गांधी वॉज सीटेड इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट सिंस ही परचेज द फर्स्ट क्लास टिकट। ठीक है, लेकिन यूरोपियन हु इंटर्ड कंपार्टमेंट हेजिटेंट टू
समन रेलवे ऑफिशियल्स, ठीक है, और उन्होंने कहा कि गांधी जी को जो है दूसरे शिफ्ट में, दूसरे जो है कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या था कि वो नॉन वाइट्स के लिए, वाइट जो फर्स्ट क्लास की टिकट थी वो नॉन वाइट्स के लिए नहीं जो है हो सकती थी, इसलिए उनको दूसरे में कहा गया। गांधी जी ने रिफ्यूज़ किया कि वो नहीं जाएंगे, तो उनको फोर्सफुली बाहर जो है ट्रेन से धक्का दे दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ थी पूरी। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाई एम के गांधी। तो कैलकटा सेशन था, ठीक है, कैलकटा सेशन 1901, ठीक है। तो कैलकटा सेशन 1901 सबसे पहले जो जो है गांधी जी ने अटेंड किया था। फॉलोइंग सेशंस नेशनलिस्ट कांग्रेस वॉज फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाई द गांधी जी, तो ये कैलकटा सेशन था। देखिए, महात्मा गांधी अटेंडेड द कैलकटा सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1901 फॉर द फर्स्ट टाइम। ड्यूरिंग सेशन हिज रेजोल्यूशन अबाउट द साउथ अफ्रीका वॉज पास्ड। दिस सेशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई द सर दिनशा वाचा, ठीक है। तो ये जो कैलकटा सेशन था वो उसके जो प्रेसिडेंट थे वो दिनशा वाचा थे, ठीक है। 1901 में जो है कैलकटा सेशन हुआ था और इसी सेशन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। इट वॉज नोट, इट इज़ नोट वर्थी दैट ड्यूरिंग दिस हिस्ट्री इन साउथ अफ्रीका गांधी जी केम टू इंडिया 1901 एंड एस्टेब्लिश हिज लॉ ऑफिस इन बॉम्बे। तो जो है आप सोचेंगे कि 1915 में जो है इंडिया में आए, तो 1901 में कैसे उन्होंने अटेंड किया, लेकिन एक बार वो आए थे, अपना लॉ ऑफिस जो है बॉम्बे में सेटअप किया था उन्होंने उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साबरमती आश्रम एस्टैब्लिश बाय द महात्मा गांधी ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ। तो ये साबरमती जो आश्रम था ये जो है आपका कहाँ पे था, कहाँ के आउटस्कर्ट पे, ये जो है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। तो ये गांधी जी सत्याग्रह अहिंसा वॉज ऑरिजिनली एस्टैब्लिश एट द कोचरा बैंगलोर ऑफ द जीवन लाल देसाई, ठीक है। ये बैरिस्टर थे और इनके फ्रेंड्स भी, फ्रेंड भी थे, तो उन्हीं के बैंगलोर में जो है इनका वो गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम इस्टेब्लिश किया गया था। एट दैट टाइम द आश्रम वॉज कॉल्ड एज अ सत्याग्रह आश्रम, बट गांधी जी वॉन्टेड टू कैरी आउट द वेरियस एक्टिविटीज सच एज द फार्मिंग, एनिमल हजबेंड्री, इन एडिशन टू अदर परस्यूट्स विच रिक्वायर्ड अ मच लार्जर एरिया टू यूजबल लैंड, एरिया ऑफ यूजबल लैंड। सो टू ईयर्स लेटर 17 June 1917 द आश्रम वॉज रीलोकेटेड टू द एरियाज ऑफ द 36 acres ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती इन अहमदाबाद एंड लेटर केम टू नोन एज द साबरमती आश्रम, ओके। तो पहले ये सत्याग्रह आश्रम था, बाद में साबरमती आश्रम के नाम से जाने लगा। महात्मा गांधी सेट अप द आश्रम ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती नियर द अहमदाबाद इज नोन एज द सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, नोन सत्याग्रह आश्रम, बाद में साबरमती आश्रम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम्स रिलेटेड टू द महात्मा गांधी इज द ओल्डेस्ट, तो फिनिक्स था जो सबसे ओल्डेस्ट था, जो आपका वर्धा और जो है साबरमती, है ना, इसमें सबसे जो पुराना था वो आपका था फिनिक्स, ठीक है। तो गांधी जी परचेज सम लैंड नियर द फिनिक्स स्टेशन एंड एस्टेब्लिश द फिनिक्स सेटलमेंट इन मिड 1904। इट इज reopened on 27 January 2000, ठीक है, 2000 में इसको फिर से ओपन कर दिया गया। इट वॉज फर्स्ट आश्रम इस्टेब्लिश बाई गांधी जी, तो फिनिक्स फॉर्म वॉज द फर्स्ट आश्रम, फिनिक्स फॉर्म ऑफ द फर्स्ट आश्रम विच वॉज इस्टेब्लिश बाई गांधी जी। वेयर डिड गांधी जी अडॉप्ट द सेवा धर्म, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में ही अडॉप्ट द सेवा धर्म इन साउथ अफ्रीका, सेवा धर्म इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी रेंडर्ड हिज सर्विसेज एज एन अटेंडेंट टू हेल्पलेस पुअर, जो वहाँ के जो लोग पुअर थे जो बहुत ज़्यादा, उनको जो हेल्पलेस जो है पुअर्स को हेल्प करने के लिए चैरिटी हॉस्पिटल जो है उन्होंने वहाँ पे पेशेंट्स की मदद की, जो हेल्पलेस पुअर पेशेंट्स थे उनकी मदद की, ठीक है। हेयर ही गेव हिज वॉलेंट्री सर्विसेज एज अ कंपाउंडर, वहाँ पे जो है रुस्तम जी एक हॉस्पिटल था वहाँ पे उन्होंने कंपाउंडर की सर्विसेज भी दी थी। ही ऑल्सो सर्व देयर एज सब देयर द वुंडेड सोल्जर्स ऑफ द बोर वॉर, ठीक है। तो जो वुंडेड सोल्जर्स थे बोर वॉर के, उनको भी जो है उन्होंने सर्व किया था, कंपाउंडर की सर्विस दी थी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पोलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले का टाइम है 1866 से 1950, वॉज वन ऑफ द अर्ली सोशलिस्ट पोलिटिकल लीडर ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। गोखले वॉज फेमसली अ मेंटर ऑफ द महात्मा गांधी एंड इन हिज फॉर्मेटिव ईयर्स 1912 गोखले विजिटेड साउथ अफ्रीका एट महात्मा गांधी इन्विटेशन। एज अ यंग बैरिस्टर गांधी रिटर्न फ्रॉम हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द एम्पायर इन साउथ अफ्रीका एंड रिसीव द पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम गोखले, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया एंड द इशू कन्फ्रंटिंग कॉमन इंडियंस।
ठीक है, बाई 1920s गांधी जी इमर्ज एज द लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन दिस ऑटोबायोग्राफी, इन हिज ऑटोबायोग्राफी गांधी जी कॉल्स गोखले एज हिज मेंटोर एंड गाइड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द महात्मा गांधी पॉलिटिक्स मीन्स द एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है. पॉलिटिक्स डज नॉट मीन द पर्सन हु इज अ ग्रेट पॉलिटिकल एट द ग्रेट पॉलिटिकल हाइट ही इज द, खैर अभी जो सिचुएशन चल रही है तो उसके हिसाब से जो पॉलिटिक्स हैं वो अपने आप को एक जो है पॉलिटिकल पब्लिक वेलफेयर के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, तो एक तरीके से वो अपने आप को गॉड समझने लग जाते हैं. तो ये पॉलिटिकल गांधी जी के अकॉर्डिंग द पॉलिटिकल लीडर वर नॉट द गॉड एट द टाइम, द पॉलिटिकल लीडर्स थे वो क्या थे, द एक्टिविटी ऑफ द पब्लिक वेलफेयर के लिए हुआ करते थे, ठीक है. पर गांधी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स मीन्स सोशल वेलफेयर एंड द पॉलिटिकल वेलफेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन अबाउट द पॉलिटिकल पॉलिटिक्स फ्रॉम द गांधी वॉज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर. फॉर हिम डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स टू इनकरेज द विलेज पंचायत एंड टू कंट्रोल देयर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. विलेज पंचायत को कंट्रोल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द गांधी मॉडल, तो कौन सा था, अथॉरिटी, ठीक है. अथॉरिटी नहीं था, एथिक्स था, रिलीजन था, ह्यूमैनिटी थी, बट अथॉरिटी वॉज नॉट द फीचर. तो देखिए पैराडिग्म ऑफ द पॉलिटिक्स प्रेजेंटेड बाय द गांधी जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री एलिमेंट्स, तो कौन से थे, तीन एलिमेंट्स कौन थे, मॉरलिटी, रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी. अभी तो मॉरलिटी है ही नहीं और रिलीजन को निगेटिव परस्पेक्टिव में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है और ह्यूमैनिटी कहीं भी नहीं है. बट गांधीयन पॉलिटिकल मॉडल देयर इज नो प्लेस फॉर अथॉरिटी, अथॉरिटी है अब यहाँ पे सिर्फ अथॉरिटी. ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश अ स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पे स्टेट ना हो. हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द वर्ड सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी, द नेफ्यू ऑफ महात्मा गांधी मगन लाल गांधी फर्स्ट यूज द टर्म सदाग्रह, सत्याग्रह नहीं सदाग्रह, सदाग्रह जो है मगन लाल गांधी ने कॉइन किया था. ये जो है इनके नेफ्यू थे ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन फॉर हिज फॉर विच ही वॉज रिवॉर्डेड. सत्याग्रह मीन्स द ट्रूथ एंड रिजिडिटी. लेटर ऑन गांधी इम्प्रोवाइज द वर्ड सत्याग्रह, वर्ड एज सत्याग्रह, हैंस इट इज क्लियर दैट द वर्ड सत्याग्रह वॉज यूज फर्स्टली बाय द गांधी ड्यूरिंग द इंडियाज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग विच वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह, हु वाज द हु कौन किसने स्टार्ट किया था, ठीक है. तो ये जो है महात्मा गांधी ने जो है पहली बार जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था. सत्याग्रह इज अ टर्म कंप्राइजिंग टू वर्ड्स सत्य एंड दैट इट्स ट्रुथ एंड आग्रह मीन्स इंसिस्टेंस, ठीक है. हेंस इट इज इन लूज इंग्लिश इंटरप्रिटेशन, सत्या मीन्स इंसिस्टेंस और ऑन ट्रुथ. चंपारण सत्याग्रह 1917 वॉज गांधी जी फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह. पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह जो गांधी जी का था वो 1917 का था, 1917 का सत्याग्रह था, ये पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहनदास करमचंद गांधी इज द बेस्ट नोन फॉर हिज फॉलोइंग, किसके लिए, यूज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस एंड टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है. तो ये हो गया पैसिव रेजिस्टेंस टू इंडियन इंडिपेंडेंस. स्ट्रगल डन बाय द गांधी इन साउथ अफ्रीका वॉज टर्म एज द इनएक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये भी इन्हीं संबंधित है. इनएक्टिव रेजिस्टेंस वॉज द वर्ड वॉज द टर्म यूज बाई द गांधी used by the Gandhiji in his his efforts in South Africa, but later Gandhi chose the word Satyagraha in the place of the inactive resistance. Satyagraha was the term which was used most during the freedom struggle, but Gandhiji differentiated between the Satyagraha and inactive resistance. As per him, inactive resistance is a political tool, whereas the Satyagraha is a moral power. He differentiated inactive resistance and Satyagraha by comparing it with the North and South. ठीक है, तो ही डिफ्रेंशिएटेड इनएक्टिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह, दो चीज़ें अलग अलग हैं बिल्कुल, उसको हम कंबाइन नहीं कर सकते, जोड़ ही नहीं सकते. ठीक है, सत्याग्रह अगर जो है इनएक्टिव रेजिस्टेंस अगर नॉर्थ है या साउथ है तो सत्याग्रह जो है दूसरा पोल हो गया, तो गांधी जी ने ये बताया. ठीक है, अब देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैड टोल्ड डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लोथ्स. ठीक है, तो ये जो है गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने यही कहा था कि डिस्ट्रक्शन विद द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द नेशन. ठीक है, गांधी जी रिलेटेड दिस डिस्ट्रक्शन विद द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द नेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स वॉज
इफेक्टिव बिकॉज गांधी जी बिकॉज ब्रिटिश कंसीडर्ड इंडिया एज अ मेजर मार्केट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. तो इसको डिस्ट्रक्शन जो है इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का क्या समझा था कि ये जो है यहाँ पे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को यहाँ से रिसोर्सेज लेके जाएंगे रॉ मटेरियल्स एंड वी विल डंप ऑल आर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन इंडिया. इसलिए इसका गांधी जी बाइकॉटेड ऑफ द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स वॉज इन इफेक्टिव एज द ब्रिटिश कंसीडर्ड इंडिया एज अ मेजर इफेक्टिव इन इफेक्टिव नहीं इफेक्टिव एज अ ब्रिटिश कंसीडर्ड इंडिया एज major market for manufacturing goods. A boycott of British goods lead to the advancement of the market of the Indian goods like craft and homemade items. Next, what is the correct chronological sequence of the following events in the political life of Mahatma Gandhi? Champaran Satyagraha, that is 1917, Ahmedabad mill strike, Khera Satyagraha, non-cooperation movement. So, dekhiye, 1, 2, 3, 4 सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए. चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में, कब 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, एंड देन नॉन कॉपरेशन 1922, ठीक है, 1922, ठीक है, हाँ, तो 1922, तो इसको केक अगर याद रखेंगे आपको CAK, ठीक है, केक याद रखेंगे तो आपको ये पूरी चीज़ याद हो जाएगी. सी से जो है चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है 1918, फिर मार्च 1918, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में बिल्कुल पूछ लेता, डेट भी पूछ लेता. तो खेड़ा सत्याग्रह जो है 22 मार्च 1918 और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, ठीक है. तो यहाँ तक हमने ये कर लिया, दो पार्ट में इसको हम कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.